हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू फाइंड न्यू अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स, मायसेल्फ सौरभ सिंह। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फेमस पोएम द सेकंड कमिंग कंपोज्ड बाय डब्ल्यू बी ईट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द वेरी फेमस पोएट डब्ल्यू बी ईट्स। William Butler Yeats, the full name of W.B. Yeats, was born in Sandymount, Dublin on 13 June 1865, and he died on 28 January 1938 in France, where he was buried. Friends, सबसे पहले आपको इस poem की theme को summarize कर दें। यह poem कवि की ईश्वर के प्रति नवीन विचारों को show करती है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथ, जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे। कवि कहता है कि ईसा मसीह को खत्म हुए 2000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन तब से अब तक यह संसार अराजकता और पाप से भरने लगा है, और इसके अंत करने के लिए और नए ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए यीशु को दोबारा इस धरती पर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कवि एक नए विचारों से अपनी इस कविता को एक नई दिशा देता है। आइए चलिए इस पोएम का हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन दी वाइडनिंग जायर। जायर माने होता है एक प्रकार का बाउंडर, और वाइडनिंग माने होता है चौड़ा होता जाता है, और टर्निंग टर्निंग का मतलब होता है गोल गोल घूमकर। तो देखते हैं इस पूरी लाइन को। गोल गोल घूमकर जैसे एक बाउंडर चौड़ा होता जा रहा है। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन का मतलब होता है एक बाज पक्षी, एंड फाल्कनर फाल्कनर माने होता है उसका बाजीगर, था उसका मालिक। तो जिस प्रकार एक बाज का पक्षी अपने मालिक की नहीं सुनता है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें बिखर सी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पोएट है ये कहना चाह रहा है अर्थात अराजकता बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है, अर्थात सब कुछ क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, केंद्र की पकड़ अब कमजोर हो गई है, अर्थात ईश्वर में आस्था खत्म हो गई है। मेयर एनार्ची इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मेयर एनार्ची, मेयर मतलब केवल, एनार्ची मतलब होता है अराजकता। तो केवल अराजकता ही अराजकता पूरे संसार में फैल गई है। The blood dimmed tide is loosed and everywhere. केवल blood dimmed मतलब होता है खून खराबा, और tide मतलब होता है लहर, everywhere मतलब होता है चारों तरफ, अर्थात केवल खून खराबा, अर्थात इतना अराजकता फैली हुई है, केवल खून खराबे की लहर ही चारों तरफ दिखाई दे रही है, अर्थात चारों तरफ फैली हुई है। आगे पोएट कह रहा है, The ceremony of innocence is drowned. शर्मनी मतलब शिष्टाचार, ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस माने होता है मासूमियत, अर्थात शिष्टाचार और मासूमियत इज ड्राउन, ड्राउन मतलब डूब सी गई है, अर्थात चारों तरफ क्या है, इतनी अराजकता, इतना अन्याय फैला हुआ है कि जैसे मासूमियत और शिष्टाचार डूब सी गई है। द वेस्ट लैक ऑफ ऑल कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है आस्था या उम्मीद, और लैक मतलब कमी, द वेस्ट मतलब है अच्छे लोगों की, अर्थात अच्छे लोगों की जो आस्था है वो कमी है, ठीक है ना, अच्छे लोगों की आस्था और उम्मीद की क्या हो गई है, कमी हो गई है। वाइल जबकि द रस्ट, जो बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंस्टेंसिटी। देखिए यहाँ पैशनेट मतलब होता है कामुक या उत्तेजित, और इंस्टेंसिटी मतलब होता है भावना, अर्थात जो बुरे लोग हैं उनके अंदर एकदम कामुक और उत्तेजित भावना वो लोग रखते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई है। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड। रिवलेशन माने होता है कोई रहस्य, ठीक है ना, अर्थात जरूर कुछ ना कुछ रहस्य उत्पन्न होने वाला है, अर्थात कुछ नया होने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, यहाँ सेकेंड कमिंग मतलब होता है ईसा मसीह के आने से, अर्थात यहाँ जरूर ईसा मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, ऐसा कवि कहना चाहता है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, अर्थात ईसा के जन्म की जो बात है, अर्थात दोबारा जो इनके जन्म होने की बात है, हार्डली मतलब शायद ही, आर दोज वर्ड्स आउट, किसी के मुख से बाहर आई है,
अर्थात ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी ने ये कहा है कि ईसा मसीह का दोबारा जन्म होगा। When a washed image out of spiritual मुंडी, देखिए स्पिरिचुअस मुंडी एक प्रकार की क्या है, प्रतिबिंब है। आप ये देख लीजिए, एक इमेज में हम दिखा रहे हैं आपको, ये है स्पिरिचुअस मुंडी, अर्थात इसका जो बॉडी है ये एक शेर जैसा है और जो इसका हेड है वो मैन का है। तो यहाँ स्पिरिचुअस मुंडी की बात कर रहा है। तो कह रहा है व्हेन जब अ वॉश्ड इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी, अर्थात स्पिरिचुअस मुंडी की एक बड़ी सी प्रतिबिंब ट्रबल्स माई साइड, अर्थात मेरी नजरों को क्या कर रही है, मुझे कष्ट सा प्रतीत हो रहा है, मेरी नजरों में ये एक कष्ट सा प्रतीत हो रहा है। समवेयर, कहीं इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, कहीं दूर रेगिस्तान के बालू के अंदर, अ शेप विथ लायन बॉडी, एक ऐसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, एक ऐसा प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहा है जो शरीर, जिसका शरीर क्या है, शेर की तरह है, एंड द हेड ऑफ ए मैन, और जिसका सर एक आदमी जैसा है। गेज ब्लैंक एंड पिटलेस एज द सन, वह देखने में एकदम, गेज में होता है देखने में, एकदम ब्लैंक लग रहा है, भावनाहीन लग रहा है। एंड पिटलेस, निर्दयी, अर्थात जो वो स्पिरिचुअस मुंडी है उसका जो प्रतिबिंब है वो देखने में एकदम भावनाहीन और निर्दयी लग रहा है। एज द सन, जैसे कि रेगिस्तान में सूर्य निर्दयी लगता है, अर्थात बहुत ज़्यादा तपता है, उसी तरीके से ये भी निर्दयी लग रहा है। इज मूविंग एट स्लो थाई, ये अपने जांघों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रियल सिडोज ऑफ द इंडिजिनेंट डेजर्ट बर्ड्स, इंडिजिनेंट होता है गुस्से में, अर्थात गुस्से में उड़ते हुए जो रेगिस्तान के ऊपर पक्षी हैं, वो पक्षी की जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो इस पर पड़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, दोबारा क्या हो गया है, दोबारा जो है अंधकार वापस आ गया है। बट नाउ आई नो, लेकिन मैं ये जानता हूँ अब, डैट की 20th century ऑफ स्टोनी स्लीप, 20 शताब्दियों तक पत्थर की निद्रा में सोने के बाद, वर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाई अ रॉकिंग क्रेडल, अब क्या करने लगा है, वैक्स में होता है टूटने लगा है, नाइट में होता है बुरा स्वप्न, अब बुरा स्वप्न टूटने लगा है, बाई अ रॉकिंग क्रेडल, और पत्थर का जो पत्थर है वो पत्थर के झूले जो है हिलने लगे हैं, अर्थात जो कब्रें हैं वो कब्र हिलने लगी है। एंड वाट रफ बेस्ट, और वह एकदम रफ बेस्ट में होता है हिंसात्मक जानवर लग रहा है, ठीक है ना, जो स्पेशल मुंडी है उसका जो प्रतिबिंब है वो एक हिंसात्मक जानवर की तरह लग रहा है। इट्स आवर कम राउंड एट लीस्ट, मतलब कम से कम अब वह समय, वह घंटा पास आ गया है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म का समय हो गया है। Now chase towards Bethlehem to be born, अर्थात अब ये जो जानवर है ये श्लोचन में है बढ़ता जा रहा है, टूवर्ड्स माने की तरफ, कहाँ, बेथलेम की तरफ, अर्थात बेथलेम जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस तरफ अब ये जानवर बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।